वेलकम टू क्रेजी गिल्स। आज हम जा रहे हैं ग्रेट ओशन रोड, जो है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, और बानू अपनी सीट पर बैठा हुआ है और यहाँ मम्मा और पापा बैठे हुए हैं अगली सीट में, और पापा ड्राइव कर रहे हैं कार। और हम अभी रोड पर हैं और अभी 3 घंटे या 4 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, तो आपको जाते जाते सारे व्यूज दिखाएंगे हम। पेट्रोल पंप पे रुके हैं और पापा ये गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए रुके हैं, और ये बानू भी बैठा हुआ है। हम टंकी फुल इसलिए करा रहे हैं कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो मिलते हैं जब कोई व्यू आएगा। अब हम पेट्रोल पंप से निकल गए हैं और हमारे घर से अराउंड 220 किलोमीटर पड़ता है जहां हम जा रहे हैं, ग्रेट ओशन रोड। तो बानू हेलो करो। हेलो। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रिंसेस फ्रीवे पर आ गए हैं और आज वेदर भी देखो कितना अच्छा है, सारी कितना सनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर रुके हैं और पापा अब रेस्ट रूम गए हैं। तो ये है फ्रीवे और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो ये मम्मा भी बैठे हुए हैं और बानू भी, और पापा गए हुए हैं रेस्टरूम, और 10 मिनट्स में चलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जब हम निकले थे घर से तब तो बहुत सनी था, और अब थोड़ी थोड़ी बारिश आनी स्टार्ट हो गई है और बादल भी आ गए हैं। देखिए कितना गंदा सा मौसम हो गया, और होपफुली जब हम पहुँचेंगे तब फिर सनी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम कंट्री साइड में आ गए हैं, तो ये देखिए फील्ड्स भी आ रही हैं, और कहीं कहीं शीप या काओ भी हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो बानू भी है, बानू हेलो कर रहा है सबको। फ्रेंड्स, ये देखो ब्राउन काओ हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कितने सारे ट्रीज हैं। तो फ्रेंड्स, अब माउंटेन्स आ गए हैं, तो देखो कितनी ग्रीनरी है, कितना नेचुरल व्यू लग रहा है। और बानू अपने ये स्टार्स खा रहा है क्योंकि उसे भूख लग गई थी, और ये मम्मा और पापा भी बैठे हैं आगे। ये स्टार्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, और वो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हिली एरिया है वो अब स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं जब गाड़ी ऊपर को जाती है तो फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब अब काफी हाइट है यहाँ पे। तो जाते हुए हमने जो है वो हिली एरिया का रास्ता चूज करा है, और आते हुए हम बिल्कुल बीच के साथ साथ आएंगे, और वहाँ के भी जो व्यूज हैं वो आपको साथ साथ में दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मतलब बीच में सनी हो जाता है, बीच में मौसम जो है वेदर है वो फिर से क्लाउडी हो जाता है, तो वेदर ऐसे ही चल रहा है जाते जाते। तो मुझे लगता है इंजॉय तो हम करेंगे वेदर को, क्योंकि जब सनी होता है तब भी और जब क्लाउडी होता है तब भी। तो यहाँ पे तो हम सारी फीलिंग इंडिया वाली आ रही है, जैसे हम मनाली के तरफ जाते हैं ना, बस वैसा ही फीलिंग आ रहा है यहाँ पे हमें। फ्रेंड्स, हमारा जो हिली एरिया है वो अब ख़त्म हो गया है और बीच एरिया पे हम आ गए हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ से बीच नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कार में से आपको दिखाने की। हाँ, वो पानी दिख तो रहा है, तो अभी हम राउंड अबाउट पे हैं, वहाँ से टर्न लेंगे, तो वहाँ पे बीच के ऊपर जाके हम रुकेंगे थोड़ी देर।
फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे आपको लेके। बानू को पहले गर्मी लग रही थी, अब वो बोल रहा है पीछे से कि अब मुझे ठंड लग रही है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये देखिए बीच का व्यू, हम अपोलो बे पे पहुँच गए हैं। वेदर बहुत अच्छा है, सनी वेदर घूमने के लिए बहुत बहुत अच्छा है। लॉकडाउन के कारण रश भी कम है, वैसे तो खुल गया लॉकडाउन लेकिन अभी यहाँ पे रश कम है। तो फ्रेंड्स हम अपोलो बे पे पहुँच गए हैं, हमने खाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी है यहाँ पे। तो बानो तो अंदर बैठा है अपना बनाना खा रहा, मुझे भी वो पसंद नहीं आए, नगर्स वगैरह लेके तो आए हैं घर से, अब ठंड बहुत ज़्यादा है तो मेरे हैश ब्राउन वैसे ही पड़े हैं। तो बाहर का एरिया देखो, वो हिली एरिया भी है दिखाई दे रहा है, देखो बड़ा अच्छा व्यू है। और हमने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा हल्का फुल्का खाया जाए और फिर खा के फिर हम आगे निकलते हैं, फिर एंजॉय करके आपको भी साथ में करवा रहे हैं एंजॉय। तो आप देखो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे जाने के लिए, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन वो अपनी बस टम्मी फुल कर रहे हैं सारे, और मैं भी अपनी टम्मी फुल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमने अपना जो ब्रेकफास्ट है फिनिश कर लिया है, अपना जो वेस्ट है वो भी हम साथ में इकट्ठा कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है क्लीनिंग साथ साथ करनी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे तो हम क्लीन रहेंगे। तो अभी बानू ने अपना फिनिश नहीं करा तो वो नहीं बोल रहा है, तो अभी हमें 85 किलोमीटर आगे और चलना है। क्या देखने के लिए? ये तो और अच्छे अच्छे व्यूज हम आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से अपनी जर्नी फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम कार पार्क में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कहाँ जाए, तो आई थिंक हमें ये ब्रिज पे जाना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ स्नैक्स भी हो सकते हैं क्योंकि वहाँ बोर्ड पर लिखा था, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये है एक वॉल जैसा बना हुआ है कुछ, और ये प्योर रॉक ही है और ये सारा नेचर के साथ ही बना है नेचुरली, और कई तो टूट भी गए हैं क्योंकि पानी की फोर्स से फ्रेंड्स
बन के जो वॉल जैसा कुछ बना हुआ है, इसका नाम है रेजर बैक। यहाँ पर ये बता रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि ये कैसा बना। ये देखिए, ये है पॉसल, कितना नेचुरल व्यू है और पानी भी बहुत ठंडा होगा। पानी को देखकर ही और ठंड लगने लग गई, कितना अच्छा लग रहा है। बानू से हेलो। हेलो बन क्या? मैं आपको खाना खाती। तो फ्रेंड्स, अब हम खाना खाने लग गए क्योंकि भूख लग गई थी और बानू ने अपनी फेवरेट पिंक प्लेट ले ली है। तो खाना हम अपने घर से ही लेके आए हैं, सारा चपातियाँ बना के, साथ में जीरा आलू हैं और ये हैश हैश ब्राउन है। मैं रोटी खानी है। बानू बोल रहा है मुझे खाना खाना है, अभी जल्दी दो। मैं रोटी, तो लंच टाइम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2 बज गए हैं यहाँ पे। तो हम परौठी के साथ अभी पोटैटो खाएंगे। ठंड के साथ हमारी चपातियाँ जो है परौठी, वो भी ठंडी हो गई है, लेकिन घर के खाने का मजा ही कुछ और है। तो चलो हम खा के खाना, फिर आपसे बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम जाने हैं लॉकहार्ट गॉज, जो है एक थंडर केव। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं थंडर केव, जो है 530 मीटर्स फ्रॉम हियर, और ये बोर्ड पे भी लिखा है। तो चलो चलते हैं। और ये लॉकहार्ट गॉज के पास ही है जहां हम पहले जाकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 12 अपॉसल्स का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है जो हम देख कर आए हैं। तो देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, भाग भाग के पूरा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं थंडर केव और आवाज भी बहुत आ रही है। और ये देखिए, वो केव है। और ये देखिए, पानी का कलर बिल्कुल डार्क डार्क ग्रीन और ब्लू जैसा लग रहा है। और ये बानू बहुत क्वेश्चंस कर रहा है। हेलो
बानू क्या देखने आया है? थंडर केव देखने आया। तो फ्रेंड्स अब हम थंडर केव से निकलकर फिर उसी पाथ पर जा रहे हैं आगे और देखते हैं एंड पर क्या आता है। और ये पापा और बानू तो आगे दो दो चीजें आएंगी। पहले हम जा रहे हैं शेयर ब्रुक रिवर एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रोकन हेड। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए मम्मा और बानू दोनों रेस लगा रहे हैं कि कौन पहले आता है। तो हम जा तो रहे हैं इस पास पर, हमें पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। तो मिस्ट्री तो है लेकिन एक्साइटेड भी हैं। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे ही ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि और बानू भी पीछे आ रहा है, बहुत ही एक्साइटेड है। ये देखो और ये पाथ जो है वो छोटा भी होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए वाओ कितना अच्छा व्यू है वहां पर। ये देखिए वाओ कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मा तो पहले ही जाके वहां पर फर्स्ट आ गए हैं। वाओ यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि यहाँ जगह फ्लैट नहीं है। और ये देखिए पानी कितना साफ है यहाँ पर, बिल्कुल हवन में पहुंच गए हम। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी वेव्स। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी वेव्स हैं यहाँ पर। थोड़ा डर भी लग रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है क्योंकि बहुत फ्रेश एयर है यहाँ पर। यहाँ पानी की आवाज भी बहुत आ रही है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए हैं फाइनली। मेरे हैंड देखो ठंड से कितने रेड हो गए हैं। जो छोटे छोटे होल्स हैं ना यहाँ पर वो पानी की फोर्स से ही बने हुए हैं, लेकिन मजा बहुत ही आ रहा है। थोड़ा टायरिंग भी है लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हो तो सारी वरीज खत्म हो जाती हैं। ये चीज तो हमने मूवीज में देखी है, रियल में पहली बार देख रहे हैं। तो वाह बहुत मजा आ रहा है। अगर आप भी यहाँ पर कभी आए हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो लाइक कर देना इस वीडियो को। ये देखिए छोटे छोटे सी शेल्स कितने क्यूट लग रहे हैं। छोटे छोटे हर जगह पर हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे स्नेल्स के बेबीज होते हैं। अगर आप हमारी ऐसी फन और एडवेंचरस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। ये देखिए सिंक होल्स बने हुए हैं यहाँ पर। बहुत डरावना लग रहा है लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि एडवेंचर्स
आर गुड फॉर यू। तो ये देखिए कैसे सिंक होल्स बने हुए हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, लेकिन पानू जा रहा है। देखिए मेरी सारी फैमिली बहुत एडवेंचरस है, लेकिन मैं नहीं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी वेव्स, वाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा। तो किसी का मन भी नहीं करना मेरी फैमिली में, ना पापा का ना मम्मा का, लेकिन सारे जा रहे हैं क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। घर तो यहाँ बना के रह नहीं सकते अब। तो देखते हैं कुछ और है देखने को, तो मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम वापस जा रहे हैं, अंधेरा काफी हो गया है। यहाँ पर टाइम है अभी 5:45 रात के, मतलब इवनिंग हो गई है यहाँ पे। तो अभी हमें 1-1.5 घंटा और लगेगा घर पहुँचते, और काफ़ी थक गए हैं सारे। बानू तो सो गया है, इरा भी टायर्ड फील कर रहा है। रास्ते में हमने कॉफ़ी तो ले ली थी, थोड़ी सी एनर्जी बस उसी के कारण है अभी। तो अभी बस घर पहुँचते हैं, फिर रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम घर पहुंच गए हैं, बहुत ही थक गए हैं सब, और अब हम कुछ खाएंगे, अपना डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे क्योंकि बहुत ही थक गए हैं। और ये देखिए पूरी रात हो चुकी है। बानू तो सो गया था कार में, लेकिन हम नहीं सोए, लेकिन हम बहुत टायर्ड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी हम घर पहुंच गए हैं, मम्मा सामान अनपैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए। बाय बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।